सो फ्रेंड्स, शॉर्टकट रूट लेने के कारण मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया हूँ। 1:15 हो गए और इन लोग का वेट कर रहा हूँ। काफ़ी चेंजेस हो गए भीमा शंकर में डायरेक्ट। बाय द वे, मैं कभी 2 या 3 साल पहले आया था, पार्किंग एरिया में है ये। अभी मैं वेट कर रहा हूँ हमारे राइडर्स का, सबके सब पीछे है। पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक दो जगह गूगल माता ने थोड़ा तकलीफ दिया, राइड लेना था वो राइड बताया नहीं मैंने। अच्छा हुआ मैंने वहाँ पे वेट किया, रुका है बाइक और एक जन से पूछा, उन्होंने बताया यहाँ से राइड से जाना है। तो मैंने वो डिसीजन अच्छा हुआ कि मैंने वैसा रुका के पूछ के ले लिया। सो अभी लेट्स वेट। अंदर जाने के टाइम पे मैं जो मंदिर का दर्शन दिलाऊंगा, अंदर तो नहीं लेकर जा सकता हूँ बट मंदिर दिखा सकता हूँ मैं आपको। चलो आइए दिखाते हैं मंदिर। जहाँ पे मैंने एंटर किया पार्किंग के, वहाँ पे एंट्रेंस पे हम लोग को सैनिटाइज़ करना पड़ता है। सैनिटाइज़ करके हम लोग का टेम्परेचर भी चेक किया जाता है और थोड़ा बहुत चलना है वो चल रहे, और थोड़े बहुत शॉप्स ओपन है, थोड़े बहुत बंद भी है। काफ़ी लोगों को जो छोटा छोटा बिजनेसेस था उस पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। अभी ये जो एंट्रेंस है, श्री क्षेत्र जय भीमा शंकर, ये रहा। तो ये हम एंटर कर रहे हैं अभी भीमा शंकर का जो मेन गेट यहाँ है। सो ये पहले नहीं था, कुछ साल पहले सिर्फ स्टेयर्स हुआ करते थे और रिटर्न जाने के लिए अब अलग से किया हुआ है। ये स्टेयर्स पे मैं काफ़ी कुछ साल पहले आया था दोस्तों के साथ। ये स्टेयर्स पे बैठ के हम लोग ने नींबू शरबत पिया था। अभी वो नींबू शरबत वाली मैडम आंटी दिख भी नहीं रही है। काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया है, मंदिर बंद थे कोविड सिचुएशन के वजह से, काफ़ी लोगों के पेट पे लात पड़ी है। बट अभी धीरे धीरे फिर से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। और जैसे कि आप देख सकते हो थोड़े बहुत पेड़ा का अंतर वगैरह है, छोटा छोटा स्टार्ट किया है लोगों ने, उम्मीदें जाग उठी है। और गाँव वालों का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया बट हौसला अभी भी ज़िंदा है, पॉजिटिविटी आनी चाहिए गाइस। यहाँ से पूरा पत्रा वाला लगाया हुआ है, अभी मुझे सनग्लासेस का ज़रूरत नहीं है भाई। तो अभी ऐसे स्टेयर्स उतरने हैं थोड़े बहुत, एक हार्डली 500-800 मीटर्स चलना है। बट ये जो हुआ करते थे शॉप्स यहाँ पे बहुत ही कम हो गए, बहुत कम हो गए, भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही है अभी। और मेन बात यह है कि लोग अभी भी ज़्यादा नहीं है, संडे होने के बावजूद इतनी भीड़ नहीं है। हम लोग पहले संडेज़ को आते थे, सैटरडेज़ या संडेज़ आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी, आज इतना भीड़ नहीं है। जब हम पहले आते थे यहीं से लाइन शुरू हो जाती थी गाइस, यहाँ से, हाँ मंदिर के कुछ ही देर पहले यहाँ से वेटिंग स्लो 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 लाइन चलती थी। हाँ लिटरली 2-2.5 घंटा लगता था गाइस दर्शन के लिए। अब आज इतनी भीड़ नहीं है। और हाँ थोड़े बहुत बुजुर्ग लोग आए हैं, अंदर छोड़ रहे थे एक्चुअली, तो अंदर आ रहे थे, मेरे आगे ही एक ओल्ड कपल थे, ओल्ड एज कपल थे, वो लोग को छोड़ा उन्होंने अंदर, अच्छी बात है। बट थोड़ा बहुत रूल्स फॉलो होना चाहिए, गवर्नमेंट ने कहा है कि ओल्ड एज वालों को अंदर नहीं अलाउड है, तो फिर भी जा रहे लोग। गाइज यहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, मंदिर के एकदम करीब आए हम लोग, थोड़ा ही अंदर है बट अंदर फिर भी मेरी गो राउंड थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अभी तक लंच नहीं किया, दोस्त लोग आए भी नहीं, वो लोग शायद लंच करने बैठ गए। और मैं यहाँ पे बस स्टॉप पे, बस स्टैंड पे 1 hour 15 minutes वेट किया।
यहाँ पे मंदिर का काफ़ी कुछ काम चालू है। लास्ट टाइम आया था तभी पूरा अच्छा डेवलप हो चुका था, फिर से रिनोवेट करने का ज़रूरत नहीं था इतना, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है मंदिर का, अच्छा ही दिखेगा बाद में, फ्यूचर कुछ प्लान्स रहेंगे। वक्त जन हमारे जैसे वक्त लोग ज़्यादा आते रहेंगे तो गर्दी बहुत आती रहेगी, तो उसके कारण उसके हिसाब से वो लोग प्लान करते रहेंगे। तो चल रहे डेवलपिंग अपना, भीमा शंकर का डेवलपमेंट चालू है, मंदिर का बहुत ज़ोर शोर से काम चालू है। सो जय भोलेनाथ, हो गया मंदिर, दर्शन हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे भीमा शंकर महाराष्ट्र में जुन्नर जिला में है, जहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गया। करीब करीब 25 मिनट में ये दर्शन हो गया मेरा, काफ़ी अच्छा था, ज़्यादा रश नहीं था और सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे थे वो लोग, और काफ़ी अच्छे से दर्शन स्मूथली हो गया, कोई धक्का बुक्की नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम अच्छे से। अभी मेरे देखना है मेरा जूता है कि नहीं, मेरा जूता भी अवेलेबल है, कोई बात नहीं, जूता है मेरा, एक मिनट, हाँ ये रहा मेरा जूता, सो नाइसली। ये एक मेरा सिक्स प्लेस है, हम लोग दोस्त लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ही जूता रख के चले गए थे, यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। लाइन जहाँ पे अंदर जाती है वहाँ पे लेफ्ट साइड में एक दुकान है, छोटा सा एक लास्ट दुकान आता है, उसके बाजू में स्टेयर्स है, वहाँ पे जूते रखे जाते हैं अच्छे से, यहाँ पे कुछ चोरी वोरी नहीं होता है। मैंने 3 बार मैंने ट्राई किया, ओपन में रख दिया है जूते, बिल्कुल चोरी नहीं हुआ, दैट्स नाइस थिंग अबाउट दिस प्लेस। कंदीपेड़ा नहीं, कलाकंद किती एक सांगा ना व्यवस्थित, एकदम यूट्यूब वरती जाणार आहे तुमचं बघा व्यवस्थित, काय नाव तुमचं? किशोर। तो दोस्तों मंदिर से बाहर आया डायरेक्ट पहला शिव प्रसाद, यहाँ पे किशोर जी बैठते, बहुत अच्छा, मतलब मेरे को टेस्ट कराया, चांगला वाटला, एकदम मस्त टेस्ट है। कंदीपेड्याची टेस्ट दाखव, कंदीपेडा किती म्हटलं? एकच आहे, 100 मी साखरेचाच आहे, कराडचं आहे म्हणून म्हणतो, कमी साखरेचा, कम शुगर काय, जिसको शुगर का इशू रहेगा तो भी ले सकते। हां किती, 100 रुपयाला? 100 रुपयाला, पाव किलो 100 रुपये, तो 100 रुपये में पाव किलो आएगा, आपको खरीदने के बाद मैं बता दूंगा। सो गाइज मैंने वो मावा और पेड़ा ले लिया घर वालों के लिए, मैंने थोड़ा चक लिया, उन्होंने एक्स्ट्रा भी दिया था थोड़ा, तो एनीवेज अच्छा रीजनेबल रेट है। कोरोना के वजह से काफ़ी लूट मार नहीं चालू है, मुझे तो नहीं लगा, उतना तो कमाना मांगता ही है, लाइक ठीक है ना, 400 रुपया पर किलो, कोई बात नहीं, अपन मुंबई में नहीं सोचते तो ऐसे जगह पर आने के बाद क्यों सोचना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं, असली मेहनत करते हैं, कम मैन पावर में ज़्यादा बिकता है इनका, और वीकेंड में इनका अर्निंग होता है, तो मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। अपन सब बोलते मेहनत करो फल मिलेगा, ये लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं गाइस, मानना पड़ेगा। दर्शन हो गए अच्छे से, अभी चढ़ रहा हूँ, आपको दिख ही रहा है, थक रहा हूँ, हाफ रहा हूँ, हाँ ऊपर चढ़ना है फिर से, तो रिटर्न पार्किंग जाने के टाइम पे आपको दम ज़रूर लगेगा, कुछ देर बैठता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं था गाइज, यहाँ पे अंदर मंदिर जाना था तो जैकेट पहन के ही जाना पड़ा, अभी थोड़ी देर जैकेट निकाला है मैंने, थोड़ा ब्रीदिंग ब्रीदेबल होने दो। बाय द वे दिन अच्छा है आज का, सब कुछ परफेक्ट हो गया गाइज, अच्छे से मंदिर का काम चालू है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन का काम चालू है, अगले 1-1.5 साल में हो जाएगा वो भी, थोड़ा हमारे जो भक्त लोग हैं उनके ही भलाई के लिए है,
और भीमा शंकर ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, मैंने आपको पहले भी कहा है। बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोरोना के चक्कर में, कोरोना के डर से, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे थोड़ा अवॉइड कीजिए। बट हाँ, अभी एक बात ऐसा है कि अभी थोड़ा भीड़ कम है तो आप आके जा भी सकते हो, आपके लिए वो एडवांटेज है भीड़ का। और अगर आप मतलब थोड़ी दिन बाद आते हैं तो भीड़ एब्सोल्युटली डबल टाइम हो जाएगा। तो मेरा दर्शन सिर्फ 25 मिनट में हो गया, चख लिया, चखने को अच्छा खासा बड़ा बाइट दिया था मुझे। किशोर भाई जी एकदम अच्छे से मुझे ट्रीट किया उन्होंने। अच्छा है, शिव प्रसाद पहले ही है जो पेड़े का दुकान, मैंने पहले भी वहाँ से लिया था। हालाँकि वी लॉगिंग अभी चालू किए तो मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम भीमा शंकर आया हूँ और 2.5 साल पहले आया था। ये प्लेस काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी काम है, लोग अच्छे से यहाँ पे बिजनेस धीरे धीरे शुरू हो रहा है, इन लोग का गुजारा वसारा हो रहा है। आयुर्वेदिक यहाँ पे जो भीमा शंकर ये जंगल है, ये जंगल में से जितने भी वनस्पति है, जो आयुर्वेदिक प्लांट्स है, वो यहाँ पे निकाला जाता है और यहाँ पे बिका जाता है। इसका कुछ सिरप्स है, कुछ थोड़ा बहुत डायरेक्ट रॉ वेजिटेबल्स भी है, पत्ते है यहाँ पे, वो आपको वो मैडम ही आपको बता सकती है कैसा क्या है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंगली लोग यहाँ पे ले रहे। और वैसे मैंने एक नोटिस किया है कि यहाँ पे कुछ भी अनशंड ये प्राइजेस नहीं बोल रहे, हाइक प्राइजेस नहीं बोल रहे, रीजनेबल सेंसिबल आपको जो बजट में बिटेगा वही प्राइजेस बोल रहे। और मैंने नोटिस किया है कि कोई शॉर्टकट तरीके से ये लोग पैसे नहीं कमा रहे, तो ये काफ़ी रीजनेबल रेट्स में यहाँ पे दिया जा रहा है। मैंने सोचा था कि कुछ भी रेट बोलेंगे, लाइक 200-250 रुपया पाव किलो का बोलेंगे, मुझे लगा मुंबई का ही जो रेट है वो रहेगा। बट ठीक है, कोई नहीं, रीजनेबल रेट में मिला हम लोग, मैं थोड़ा भी हिचकिचाया नहीं उनको, उन्होंने जो रेट बोला मैंने उनको दे दिया। और कोरोना से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोरोना का इनका इतना नुकसान हुआ है, मंदिर बंद थे तो मंदिर चालू होने के बाद ये लोग कुछ भी प्राइस बोलेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही अच्छा है इन लोग ने, मतलब अच्छे से उन लोग का जो मेहनत है उनका फल भगवान शिव शंभो शंभुराज हमारे दे ही रहे। तो चलो गाइस, अभी भी मेरे राइडर्स फ्रेंड्स आए नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ घूम हो गए भाई, खाना वाना खा लिया रहेगा, अभी मैं खाना खा लेता हूँ, 4:15 हो गए, मैं खाना नहीं खाया हूँ। कमिंग इन फ्यू डेज़ मैं कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट करने जाने वाला हूँ एज़ अ राइडर ट्रैवलर एक्सप्लोरर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलो आगे की जर्नी, राइड बैक टू होम। लुक एट दिस व्यू गाइस, क्या अमेजिंग है ना, ऐसा गोल्डन वेलवेट गोल्डन मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है गद्दा है। अरे कुठे राहत तुम, तो 10% खराब है ये, थोड़ा बहुत 10% ना, शॉर्टकट है पण चांगलाच, शॉर्टकट है ना तो, खूप मस्त शॉर्टकट है तो। मी म्हटलं तुम्ही येऊन गेलात की काय असं वाटलं मला, मी किती वेळ थांबलो, मी 7:15 तर त्या बस स्टँड वरती झोप काढली मस्त, तिथे एंट्रन्स दिसत होतं, आडवा पडलो होतो, लक्ष देत होतो, आपले टी शर्ट सगळ्यांचे माहिती होते मला, आता येतील नंतर येतील आलेच, काय झालं एवढा वेळ कसा झाला, ते जेवण झालं, जेवणानंतर रस्ताच उरकत नाही, काय उरकत नाही, 60 किलोमीटर तर तुम्ही खूप पुढून जाऊन आलात बहुतेक, तुला रस्ता कसा लागला, मला मी 1:15 पासून इथे, 1:15 वाजता ब्रेकडाऊन झालेली माहिती तुला, आपल्या इथे कोणती रे, माझा रूटच वेगळा होता पूर्ण, कम्प्लीट वेगळा रूट आहे माझा, रस्ता खराब होता 10% म्हणजे पूर्ण तेवढा 5 आहे ना, म्हणजे बाईक सर्वाइव करू शकतात त्याच्यावरती, एवढं का नाही, तुम्ही खूप लांबून आला असं वाटत मला, किती वाजले, 3 तास झाले मला इथं बसून, मी आतमध्ये दर्शन विर्शन केलं नाही, 1/2 तासात होईल दर्शन, म्हणजे गर्दी आहे, म्हणजे 1/2 तास पण कसं बहुतेक त्यावेळी मला आरती भेटली, आरती होती लाईन नाही तो उभं होतो तेव्हा, तोपर्यंत थोडं लेट झालं, तुम्ही एक काम करा, तुम्ही होऊन या, मागे भीमाशंकर हॉटेल दिसलं का राईट साइडला होतं,
एमटीडीसीच्या पण पुढे नेटवर्क नाही ना नाही एवढं हे बघ एमटीडीसीच्या पुढे गेलास ना एक गाव लागलं होतं ना गाव तिथे हॉटेल दिसत होते बघ छोटी छोटी ते भीमाशंकर हॉटेल या साईडला येईल म्हणजे तुम्ही येताना लेफ्ट साईडला कारण मी जेवलो ना काय नाही अंदर 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 रस्ते में भी क्या छूट गया था ना अपना तीन घंटे के पिक्चर देखने बैठे आता एक काम करा तुम्ही निघा थांबू नका इथे टाइमपास होईल तुम्ही निघा पाच वाजता वगैरे इथे असलं तर उगाच माझं झालं दर्शन टायमिंग काय ओ दीड वाजे पोहोच गया सव्वा एक वाजता पोहोचलो मी इथे अरे वा अरे अल्टिमेट शॉर्टकट था वो कोणता कुडे कुडे गावातून आलो एक शिरगाव कुडे दहा टक्के खराब बाकी पूर्ण मस्त आहे म्हणजे मग आणि सीन सिनरी मस्त आहे सीन सिनरी मस्त आहे आणि कुडे आणि शिरगाव लागलं आणि मध्ये भीमा नदी लागली नाही मी हे इयरफोन आहे ना अंदर ये लगा ये गुगल माता बता रही थी मैं जा रहा था उसके हिसाब से आमच्या सोबत नव्हतं तू किती मॉडेलला मुकलास माहिती कुठे एक एक मॉडेल होते आम्ही सगळे तीन तास झाले मला टोटल इथे मी सव्वा एक ला पोहोचलो आता सव्वा चार झाले म्हटलं आता तुम्ही कुठेतरी मला काय वाटलं तुमचं कोणाचं तरी ब्रेकडाऊन वगैरे झालं म्हणून तुम्ही कुठे मागे अडकले आमचा म्हणजे गाडीचा झाला कमजोर चानेगडा मोई रस्त्याचं जाते तिथे नव्हतं घास एवढं काय तिथे शौचालय पण नाही येलो का सीन हो गया लाइक येलो गब्बी यहां से निकले मेरे को मिले देखा आपने एक जन का ब्रेकडाउन हो गया मतलब ब्रेकडाउन इन द सेंस लाइनर ही नहीं है ब्रेक ही नहीं है उन लोग के बाइक को और चला रहे भाई सब मस्त में गियर में कंट्रोल कर रहे हैं अच्छे से ठीक है अभी इन लोग को 4:30 बज गए भाई दर्शन मिलना चाहिए दर्शन दिला रहे रे बाबा दर्शन दिला दे रे बाबा ओ जय भोलेनाथ ओ ये टेस्टिंग वाली कार इधर किधर आ गई भाई तो इन लोग का है ना मेरे दोस्त लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ये लोग क्या किए मंसर वाया मंसर रूट करके आ गए वाया मंसर मतलब कितना जुन्नर का मेन सिटी उधर तक जाके फिर इधर आ गए भैया बहुत दूर जाके भैया बहुत लॉन्ग कट लिया अपना जो रूट था ना वो एकदम शॉर्टकट था बट एक कुछ ब्रेकडाउन हो गया तो उधर कुछ हेल्प नहीं मिलेगा सीधा गाँव में किसी के घर पर रुक जाओ और दूसरे दिन मदद मांग लो ऐसा सीन है वहां पे तो कोई नहीं अपने तो वो एंजॉय किया सवा एक बजे हम लोग मैं पहुंच गया बोला ना तो वो लोग तो फुल शॉक हो गए भाई सवा एक बजे तू यहाँ पे पहुंचा मंसर यहाँ से देखो 51 किलोमीटर है भाई 51 मतलब मैं जहाँ पे तवोजा MIDC था ना उतना तक दूर मतलब ये लोग बहुत दूर भाई साहब मतलब 40-45 किलोमीटर तो वो लोग एक्स्ट्रा चले अपने से अपना रोड सही था गूगल माता जय भोलेनाथ गूगल माता की जय गूगल माता को भरोसा रखना चाहिए गाइस बाइक का और थैंक्स फॉर सेना थैंक्स फॉर परानी ब्लूटूथ इंटरकॉम था इसके लिए मैं बच गया मेरा पेट्रोल बच गया कोई नहीं अपने दोस्त लोग का उन लोग ने टाइम पे खाना खाया मेरा नुकसान ये है कि मैं टाइम पे खाना नहीं खाया वो लोग का नुकसान ये है कि थोड़ा दूर से चला के आए कोई बात नहीं दर्शन मिल जाएगा होपफुली दर्शन मिलने दो जय भोलेनाथ दर्शन दे दो अपने दोस्त लोग को इतने दूर से आए मेहनत किया है बाइक राइड किया है थोड़ा पैसा खर्च किया है वक्त बर्बाद हो जाएगा नहीं तो फिर ऐसा तो कोई नहीं गाइस अभी मैं डायरेक्ट पहुंचता हूँ भीमाशंकर होटल तो बेसिकली जिसका डर था वही हो गया एक बाइक ब्रेकडाउन हो गया पंक्चर है हमारे अंडर कवर एजेंट जो है कि पंक्चर हो गया रोहित अब भी हिमालयन से आया एक बंदे को लेकर आया पंक्चर का दुकान देखेंगे वो और 3 किलोमीटर पीछे ही है मेरे यहाँ से और मैं यहाँ पे भीमाशंकर होटल में यहाँ पे अच्छा खासा लंच एट 5 PM कर लिया है एक घंटा और जाएगा अंधेरा हो जाएगा गाइस
एनीवेज डायरेक्ट घर पे मिलते हैं अभी, बाय बाय।